बॉलीवुड की खूबसूरत और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को भला कौन नहीं जानता। उनकी अदाकारी और उनकी खूबसूरती के जलवे उम्र के इस पड़ाव पर भी कायम है। मगर हम बात रेखा की नहीं बल्कि उनकी सौतेली माँ सावित्री की करने जा रहे हैं। वो सावित्री जो कभी सिनेमा जगत की धड़कन रह चुकी है। उनकी खूबसूरती के चर्चे 40 के दशक में जोर पर थे। कभी दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक रही सावित्री की पहचान बतौर रेखा की सौतेली माँ भी है। मगर अदाकारी के नजरिए से लोग उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग मानते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने फिल्म की दुनिया में कदम रखा उस वक्त उन्हें एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन 50 का दशक आते आते वो न सिर्फ बेहतरीन अदाकारा बन चुकी थी बल्कि अपनी पहचान ऐसी अभिनेत्री के रूप में बना ली थी जिनके सामने कोई नहीं टिक सका। इस बात का अंदाजा उस वक्त लगा जब उनके जीवन पर बनी फिल्म महानटी को पर्दे पर उतारा गया। दर्शकों का वो वर्ग भी सिनेमा घरों में खिंचा चला आया जिसने कभी सिनेमा घर में कदम तक न रखा था। ये सावित्री का ही जादू था। तेलुगु दर्शकों का मानना था कि सावित्री के सामने कोई और अभिनेत्री नहीं टिक सकती थी। निर्देशक नाग अश्विन ने सावित्री के जिद्दी स्वभाव और अजीब से व्यक्तित्व को फिल्म में समान महत्व दिया। उन्होंने ये दिखाने की भरपूर कोशिश की कि सावित्री जो करना चाहती थी वो करती थी। फिल्म में सावित्री का जीवन एक पत्रकार के जरिए दिखाने की कोशिश की गई, जो उनके जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाता है। बचपन में अपने पिता को खोने के बाद सावित्री अपने नाना की देखरेख में बड़ी हुई। यह आश्चर्य की बात थी कि बिना किसी ट्रेनिंग के वो बेहतरीन डांस करती थी और फिल्म में काम करने के लिए मद्रास चली आई। सावित्री की आदत थी कि वो चीजों को चुनौती की तरह लेती थी और उसके बाद वो ऐसी एक्टिंग करती थी जो उनके आलोचकों को सोचने पर मजबूर कर देता था। उन्हें पहली बार लीड रोल मिला देवदास में। इसमें उन्होंने पार्वती की भूमिका निभाई थी। निजी जीवन की बात करें तो सावित्री ने जेमिनी गणेशन के साथ नजदीकियां बढ़ाई। वो उनसे शादी करना चाहती थी लेकिन गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बेटियों के पिता भी। निजी जीवन में लगातार परेशान रहने वाली सावित्री तकलीफ में जीने लगी। नशा, अकेलापन और संबंध टूटने से वो काफी टूट गई और अंत में वो कोमा में चली गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस देवदास से उन्हें शोहरत मिली थी वो उसी देवदास की तरह प्यार की तड़प में इस दुनिया को अलविदा कह गई। NTI पॉकेट टीवी के लिए रचना मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।